प्लस टू डी क्लास बेटा, आज हम पार्ट 13 जो है दल खालसा का उत्थान और इसकी युद्ध प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। किन परिस्थितियों में दल खालसा का उत्थान हुआ है, इसके संगठन मतलब और युद्ध प्रणाली का परीक्षण कीजिए, या फिर दल खालसा के उत्थान के कारण संगठन मतलब और युद्ध प्रणाली के बारे में बताएं। अथवा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दल खालसा की उत्पत्ति, मुख्य विशेषताएँ और महत्व का वर्णन करें। बेटे किसी भी ढंग से क्वेश्चन होगा तो उसका सेम ही ये आंसर होगा। ऐसे भी हो सकता है दल खालसा की स्थापना के क्या कारण थे, ठीक है। तो आपने जो है सबसे पहले इसका 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसकी स्थापना ने सिख कौम में जो है नव प्राण फूंके। कारण क्या थे? सबसे पहला सिखों पर अत्याचार। 1716 ईस्वी बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद पंजाब के मुगल सूबेदारों अब्दुल समद खां और जकरिया खां ने सिखों पर कठोर अत्याचार करने शुरू कर दिए। सिखों के सिरों पर इनाम घोषित किए गए। सिखों को गिरफ्तार करके लाहौर में शहीद किया जाने लगा। मजबूर होकर सिखों को वनों और पहाड़ों में जाकर शरण लेनी पड़ी, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुगल सेनाएं उनका पीछा करती रहती थी। ऐसी स्थिति में उनको अपने आप को जत्थों में संगठित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने अपने छोटे छोटे जत्थे बना लिए, जो बाद में दल खालसा की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए। नंबर दो है बुढ़ा दल और तरुण दल का संगठन। 1734 ईस्वी नवाब कपूर सिंह ने सारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर दो मुख्य दलों में जो है इनको बांट दिया। इनके नाम बुढ़ा दल तथा तरुण दल थे। बुढ़ा दल में 40 वर्ष की आयु से ऊपर के सिखों को शामिल किया गया था। इस दल का कार्य सिखों को पवित्र धार्मिक स्थानों की देखभाल करना था। इस दल का मुख्य कार्य दुश्मनों का मुकाबला करना और उसमें जो है दूसरा जो दल था वो तरुण दल था। तरुण दल में 40 साल से कम आयु के सिखों को शामिल किया जाता था। इस दल का मुख्य काम जो है दुश्मनों का मुकाबला करना था। तरुण दल को आगे 5 जत्थों में बांटा गया था। प्रत्येक जत्थे को एक अलग जत्थेदार के अधीन रखा गया था। इन दलों की स्थापना ने सिखों का संगठन मजबूत किया। नंबर 3 है दलों का पुनर्गठन। जकरिया खां की मौत के बाद पंजाब में अराजकता का दौर आरंभ हुआ। इस स्थिति का लाभ उठाकर सिखों ने 1745 ईस्वी को